हाय, हेलो और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सुबह की शुरुआत कुछ अलग तरह से हुई। 2 मिनट के लिए मैं बैठ गई खिड़की के पास आकर। फिर तो अपने रेगुलर काम चलते ही रहते हैं। हस्बैंड के टिफ़िन होने के बाद घर के काम में लग जाना पड़ता है। किचन की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, सबको टाइम देना ही पड़ता है। घर के काम ना करो तो घर अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए पहले वो निपटाना बहुत ज़रूरी है। वो काम होने के बाद मैं लग गई पैकिंग पे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नागपुर, जो हमारा गांव है, अभी तो शहर है। वो सब निपटाने के बाद हमको ट्रेन के लिए खाना भी बनाना था, इसलिए पहले मैंने पैकिंग पूरी तरह से निपटा दी। कुछ ना कुछ रह ही जाता है, वो टाइम पे हम देख लेते हैं याद करके, लेकिन सबसे पहले तो हमको ट्रेन के लिए जो खाना बनाना है उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो ज़्यादा तो कुछ था नहीं घर पे, और ज़्यादा कुछ बचा के भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि 4 दिन के लिए भली ही हम जाए, लेकिन चीज़ें अगर घर में पड़ी पड़ी ख़राब हो गई तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए घर में बीटरूट पड़े थे, उसको ही मैंने रोटी बना दी, मतलब उसकी ही मैंने रोटियाँ बना दी, क्योंकि क्या करें, हम हाउसवाइफ जो रहती है बचाना ही जानती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैंने उसके पराठे डाल दिए। और ट्रेन में ट्रेन का खाना एक्चुअली हम खाते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग नहीं ही खाते हैं, घर से ही लाते हैं, ऐसा मैं मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, बाकी तो मुझे पता नहीं उतना, लेकिन हम ज़्यादातर घर से ही बना के लेके जाते हैं। और पराठों के साथ में कुछ चाहिए था तो इसीलिए टमाटर भी थे, तो टमाटर की मैंने चटनी बना दी। थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन है लेकिन अच्छा लगा खा के। और मेरा छोटा बाबू है, उसके लिए मैंने एग स्क्रैम्बल बना दिया था, वो बहुत चाव से खाता है। तो खाना मेरा हो गया है रेडी, अब आई पैकिंग की बारी। तो अभी मैंने शुरू कर दी है पैकिंग टिफ़िन की। टिफ़िन की पैकिंग होने के बाद सब कुछ समेटना पड़ा, घर का पूरा सारा काम निपट गया, फिर हम निकल पड़े स्टेशन की ओर। स्टेशन में हम थोड़ा सा जल्दी ही पहुंच गए थे, 15 मिनट पहले ही, क्योंकि ट्रेन तो टाइम पे ही आती है वैसे, लेकिन कभी कभी लेट भी होती है, बट सेफ़ साइड पहुंच जाओ जल्दी तो वही अच्छा रहता है। तो हम पहले ही पहुंच गए थे, थोड़ी देर वहाँ पे रुके, थोड़ी ख़रीदारी भी कर ली, बस और वेट करते रहे ट्रेन का। और मेरे बाबू को ट्रेन देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा गाना भी पसंद है, ट्रेन वाला ही। ट्रेन में खाया खाना जो हमने घर से पैक करके लाया था, और फिर हम सो गए। सुबह उठते ही जब ट्रेन नागपुर पहुंची तो सबसे पहले हम बैठ गए मेट्रो में। जी हाँ, नागपुर की मेट्रो, मेट्रो में, क्योंकि मतलब वहीं से जा सकते हैं घर में, इसीलिए वहाँ पे भी हमारी मस्ती बहुत चालू थी। थोड़ा बाबू मेरा मस्ती ही कर रहा था। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं अपने घर की तरफ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।